हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कृषि विभाग भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी कृषि विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि कृषि विभाग में ऑनलाइन फॉर्म का जो है लिंक एक्टिव हो गया है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th और ग्रेजुएशन रखी गई है। यदि आप 10वीं 12वीं स्नातक यदि आपने कर रखी है तो आप अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहां आपको असिस्टेंट की वैकेंसीज मिलेगी, इसके बाद स्टेनोग्रेड सेकेंडरी की वैकेंसीज मिलेगी और ड्राइवर की वैकेंसी आपको यहां मिल जाएगी। इसके साथ बात की जाए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि कृषि विभाग भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा, इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। कृषि विभाग भर्ती प्रक्रिया का यह नोटिफिकेशन है, यहां देख सकते हो बेसिक जानकारी हिंदी में। कृषि विभाग में सहायक की वैकेंसीज आपको मिल रही, यानी कि असिस्टेंट की वैकेंसीज, स्टोनो की वैकेंसीज और ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है प्रकाशित हुआ है। पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, या फिर आपको जो है इसमें वैकेंसी डिटेल्स फिर से बताई गई है कि कौन सी पोस्ट आपको यहां मिल रही है। इसके साथ बात की जाए वेतनमान की, तो नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन इस प्रकार आपका रहने वाला है। अभी हम आपको केवल असिस्टेंट का वेतन दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से हम ड्राइवर का भी आपको वेतन दिखाएंगे, इसके साथ जो अन्य वैकेंसीज है उनका भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ बात की जाए आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपकी यहां रखी गई 18 से लेकर 40 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है 10th 12th और ग्रेजुएशन। और इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस जो है अपनाया जाएगा, इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी। फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको पोस्ट नेम बताई गई है कि कौन सी पोस्ट आपको यहां मिलेगी, यहां आपको वेतन बताया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ फार्म मैनेजर की वैकेंसी, तो यहाँ आपको इसमें वेतन मिल रहा है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये पे मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और इसके बाद प्रोग्राम असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसीज मिल रही है, और इसमें भी आपको वेतन देख सकते हो 35,400 से इसमें आपका वेतन स्टार्ट है। इसके साथ प्रोग्रामर जो असिस्टेंट की वैकेंसीज है, प्रोग्राम असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, इसमें भी आपको 35,400 से वेतन दिया जाएगा। इसके साथ बात की जाए कृषि विभाग में असिस्टेंट की वैकेंसी, यानी कि सहायक की वैकेंसी, ये आपकी सहायक की वैकेंसीज है, इसमें भी आपको वेतन मिलेगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। इसके साथ बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए, तो इसमें आपको वेतन मिलेगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये पे मैट्रिक लेवल 4th के अनुसार इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी जो मिल रही है, आपको ड्राइवर की वैकेंसीज मिल रही है, तो ड्राइवर के लिए वैकेंसी का यहां देख सकते हो वेतन बताया गया 18,000 से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमा आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें वेतन दिया जा रहा है। इसके बाद जो इसमें आपको वैकेंसी डिटेल्स बताई गई कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है, इससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको यहां बताई गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर 3rd की वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको बताया यदि आपने किसी भी बोर्ड से 12वीं कर रखी है, यहां देख सकते हो 12वीं या समकक्ष आपने कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को 10 मिनट के लिए अंग्रेजी या टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आपकी है, 80 शब्द प्रति मिनट पर एक सुटिलेख परीक्षा देनी होगी, यानी कि आपका पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट आपका होगा, यानी कि इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए ये आपको जो है इसमें स्किल टेस्ट बताया गया है। इसके बाद जो आपकी पोस्ट है यहाँ आपको मिल रही है असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेतन बताया गया था इसमें बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है 35,000, इसमें आपका प्रारंभिक वेतन है और 1,12,000 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बताया, तो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आप देख सकते हो यहाँ 10th पास रखी गई है, 10th पास के साथ साथ यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहां आपको बताया गया है कि आपने यदि आईटीआई कर रखी है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां कुछ और इसमें आपको बताया गया है, आईटीआई से संबंधित क्षेत्र 1 साल का ट्रेड या सर्टिफिकेट आपके पास हो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ड्राइविंग का अनुभव हो, यदि आपके पास ड्राइविंग का अनुभव है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद मोटर मैकेनिक के कार्य का अनुभव हो, इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ नोटिफिकेशन संबंधी डिटेल्स जो है आपको बताई गई है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है आपको आना है। वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है जानकारी मिल जाएगी। उम्र सीमा संबंधी डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है, ये डिटेल्स भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया आपको यहाँ बताया गया है, और इसके साथ फ्रेंड्स ये सामान्य इसमें निर्देश जो है आपको बताया गया, भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद जो है यहाँ कुछ और जानकारी जो आपको बताई गई है, तो ये आप जानकारी इस नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो विज्ञापन संख्या, जॉब लोकेशन मेरिट रहने वाली है, उत्तर प्रदेश राज्य से जॉब निकल रहा है,
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डेट देखनी है कि 31 अगस्त को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था, अंतिम तिथि है 30/9/2021 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और रिक्रूटमेंट के लिए ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ वेबसाइट बताई गई है। तो यहाँ ये डिटेल्स जो है आपको बताई गई है, यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है, टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको 62 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन मेरठ है यानी कि यूपी है और इसी के साथ ये एक यूनिवर्सिटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।